मजा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मानसून में भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने किराए में 20% तक की कमी की है। वहीं टूर ऑपरेटर भी मानसून के लिए नए पैकेज निकाल रहे हैं। भारतीय पर्यटक भारत में 18,000 रुपए से 35,000 रुपए तक विदेश में घूम सकते हैं। मानसून आते ही हर साल पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है। मानसून के सीजन को भी भुनाने के लिए कई एयरलाइंस और टूर ऑपरेटर्स ने कम दाम पर नए पैकेजेस की घोषणा की है। दरअसल मानसून के समय में पर्यटक सैर सपाटे के लिए इधर उधर जाना पसंद नहीं करते हैं। एयरलाइंस को नुकसान न हो इसलिए एयरलाइन कंपनियां सस्ते दाम पर टिकट बेचने की योजना बना रही हैं। बट इन प्लेसेस लाइक मॉरिशस, इन प्लेसेस लाइक श्रीलंका, मलेशिया, दीस पर्टिकुलर एरियाज यू विल फाइंड कि थोड़ा बहुत ड्रॉप बीच साइड की डेस्टिनेशन में तो हो गए, बट ज्यादा नहीं, 10-15%। एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए मगर क्योंकि रेट्स गिर जाते हैं वो और ल्योर करते हैं ट्रैवलर को। एयरलाइंस के अलावा टूर ऑपरेटर भी पर्यटकों के लिए मानसून के मजे को दोगुना करने के लिए नए पैकेजेस निकाल रहे हैं। घरेलू पर्यटकों के लिए 6 रात और 7 दिन का पैकेज 18,000 रुपए का पड़ेगा। वहीं मलेशिया, बैंकॉक और सिंगापुर के लिए मानसून पैकेज आपको 23,000 से 30,000 रुपए के बीच मिलेगा। इन पैकेजेस में हवाई टिकट, 3 सितारा होटल में ठहरना और खाने पीने के अलावा 1 दिन का साइट सीइंग भी शामिल है। आमतौर पर मानसून के समय एयरलाइंस के सस्ते किराए के अलावा होटल भी अपने कमरों के दाम 15% तक गिरा देते हैं। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक हवाई किराए और होटलों के किराए में कमी के चलते दक्षिण एशियाई देशों में शॉपिंग करने वालों की चांदी हो जाती है। तो क्योंकि डिमांड कम हो जाती है इसलिए एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए और थोड़ी सी डिमांड एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए एक स्पेशल पैकेजेस और मॉनसून में लोग ऑफर करते हैं, एयरलाइंस भी करती हैं और होटल्स भी करते हैं। एक तरफ जहां कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने भारत में मॉनसून को भुनाने के लिए अपने किराए कम किए हैं, वहीं घरेलू बाजार में भी जेट एयरवेज के अलावा स्पाइसजेट और एयर डेकन ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए सस्ते किराए का सहारा लिया है। अनुराग मानखंड, जी बिजनेस, दिल्ली।